रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे से गिरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने ही, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजरा, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने ही। मैं अपना में हो जो आज से बेगाने, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक वो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक वो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक वो तुझे। ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है के चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है के चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे
किसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। दिव्यानंद चैनल के सम्मानित व्यूअर्स श्रोतागण, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक श्री अध्यय मिश्रा जी का अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चिर परिचित हो गए हैं कि आज सोमवार के दिन मैं आपके बीच में आकर के कुछ गलत मुद्दों पर चर्चा करता हूं। आज जो हमने चुना है, वैसे तो सोचा था कि जन सुविधाओं पर चर्चा करेंगे, किन किन सुविधाओं को हमें मिलना चाहिए और किन किन सुविधाओं में क्या क्या दिक्कत आ रही है, पर इस समय सबसे अहम मुद्दा आजकल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण विषय पर जो आदेश जनवरी 2020 में हुआ था सिद्धराजू करने में, उस पर जो है ने कुछ क्वारीज की थी, कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की थी उसको लागू करने में, मुख्य रूप से उसका राजनीतिकरण हो जाएगा और राजनीतिक लाभ दुर्घट हो जाएंगी, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लोग हैं वो आपत्ति करेंगे, ऐसी शंकाएँ रखी थी। तो उसी का स्पष्टीकरण मैं आप लोगों को बताऊंगा जो उससे उत्पन्न स्थिति है और जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उससे रिलेटेड प्रभाव आने वाले हैं उसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, उसी पर मैं चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 3% आरक्षण हमारा 9 जुलाई 1997 से लोक सेवाओं में जो था उसका आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 सितंबर 1997 को जारी किया था। इसे सदन में 9 जुलाई को रखा गया था, इसलिए 9 जुलाई से काउंट हुआ और 20 सितंबर 1997 को जो आदेश किया गया था उसमें आदेश में ये कहा गया था कि जितने प्रकार की भी लोक सेवाओं में पद होते हैं, शायद 3200 प्रकार के पद लोक सेवाओं में होते हैं, राज्य और केंद्र को मिला दें सारा कुछ, तो उनमें से ऐसे पद जो दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत चिन्हांकित होंगे उसका 3% आरक्षण दिया जाएगा। फिर उसको इसे दिव्यांगजन अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन माना गया कि चूंकि भारत सरकार में 3% आरक्षण पहले से ही था और अगर चिन्हांकित पदों तक सीमित करेंगे आरक्षण को तो नॉट लेस देन 3% के कम, यानी कम से कम 3% का जो वैल्यू है वो घटेगा, क्योंकि 3200 प्रकार की वैकेंसी के अगेंस्ट 3% अलग हुआ और मात्र चिन्हांकित यानी जो कि 67 प्रकार के सीओडी के पद चिन्हांकित थे उसमें वैकेंसी कम होंगी। फिर दूसरी बार कैट में और मुख्य दिव्यांगजन के न्यायालय में इस विषय पर याचिकाएं विभिन्न संगठनों ने जारी किया और इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अलग अलग, तो ये तय हुआ कि वैकेंसी चाहे जो भी हो, चाहे सीधी भर्ती से भरी जाने वाली हो चाहे पदोन्नति से, आरक्षण दोनों में मिलना चाहिए। तो सी और डी के स्थिति में दोनों में आरक्षण को स्वीकार किया गया और हम लोग बार बार राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ओर से इसको सरकार को मनवाने के लिए विवश करते रहे। अंत में
3 फरवरी 2008 को गुरुवार का दिन था और उसी दिन उसी तिथि के उसी डेट में एक शासनादेश भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया 3 फरवरी 2008 को, जिसमें भारत सरकार के 29/12/2005 के शासनादेश को हिंदी रूपांतरित करके और लागू करने की वचनबद्धता और घोषणा की गई सरकार के द्वारा। उसमें उसके प्रश्न 12 में साफ साफ कहा गया था कि सीधी भर्ती का हो या पदोन्नति का हो, दोनों ही रिक्तियों को पूरी तरह से आगमित किया जाएगा और उन रिक्तियों का 1% तीनों वर्गों में 3% आरक्षण सुलभ कराया जाएगा 9 जुलाई 1997 से और अब तक। इसके लिए सरकार ने घोषणा भी की और 23 मई 2008 को शासनादेश भी जारी किया। इसके बाद जब सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी और अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़ करके बाकी भर्तियों पर रोक लगी तो हम लोग विवश हो गए और हम लोगों ने एक न्यायालय में याचिका दायर की उत्तर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में, और उसके तहत कार्मिक के और क्या नाम है विकलांग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित कराए गए 26 नवंबर 2010 को। माननीय न्यायालय को इन्होंने वायदा किया कि हम जल्दी से चिन्हांकन कर देंगे, बैकलॉग की गणना कर लेंगे और बैकलॉग की भर्ती के लिए उस समय की कैबिनेट ने 1565 पद ए बी सी डी चारों श्रेणियों के जो सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले थे वो जारी किए, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया भर्ती करेंगे। तब से हम लोग सीधी भर्ती और प्रमोशन पदोन्नति की बात करते रहे लगातार। फिर बिजली विभाग के एक इंजीनियर थे संजीव कुमार जैन साहब, उन्होंने एक याचिका दायर की थी प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए ए और बी श्रेणी के लिए। जब चिन्हांकित पदों में ही आरक्षण है हमारा तो कम से कम चिन्हांकित पदों की सीमा तक हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन ए बी में भी मिलना चाहिए, इसको इन्होंने चुनौती दी। और बाद में तब आरोप रंजन साहब मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनको हम लोगों ने अपने संगठन की ओर से कन्विंस किया कि इसे भी जब आप एक को दे रहे हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट है, भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसको भी शासनादेश के रूप में स्वीकार करके ऐसा अंगीकार करते हुए उस शासनादेश को जो 3 फरवरी 2008 में जारी हुआ था उसको इस सीमा तक संशोधित करा दीजिए। तो खैर वो 28 जुलाई 2015 को वो ए और बी में भी रिजर्वेशन को एक्सेप्टेंस मिल गई कार्यों पर। अब व्यवस्था क्या है, भले ही कानूनी रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने का खा गा घा श्रेणी के सारे पदों पर 3% का आरक्षण सीधी भर्ती प्रमोशन में दे दिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन चूंकि संबंधित सेवा नियमावली को इस सीमा तक संशोधित नहीं किया गया है, अलग से पात्रता सूची तैयार करने की व्यवस्था नहीं की गई है और बीच में अनुसूचित जाति जनजाति का परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण को वापस दे दिया सरकार ने, माननीय न्यायालय ने उसके विपरीत माना था, इसलिए इस भ्रम के चक्कर में आज तक उसका अनुपालन नहीं हो पाया। समय समय पर इस पर तमाम याचिकाएं आती रहीं। सुप्रीम कोर्ट में संजीव कुमार गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रसार भारती का एक मुकदमा था जिसके जो आदेश हुआ उसके प्रस्तुत 13 में यह व्यवस्था थी कि चूंकि 3 पदों के आरक्षण का की मूल जरूरत कि जिन पदों पर हम काम कर पाते हैं उसमें आरक्षण देने के इरादे से ही बनाया जाता है, यानी लोक सेवाओं में हमारे लिए कौन से पद हमारे लिए सुटेबल होंगे, किन पदों पर किन शारीरिक क्षमताओं के अभाव में क्या काम हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये गहन रिसर्च के बाद विशेषज्ञ लोगों से ये मिलकर बनाते हैं, ये बनाया गया। और तब इसलिए जब चिन्हांकित है चाहे मूल ऑफ रिक्रूटमेंट यानी भर्ती का स्रोत कुछ भी हो, सीधी भर्ती और पदोन्नति आरक्षण सुलभ कराए थे, ये इस नीति को सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चरणों में
चुनौती दी जाती रही। जनवरी 14-15 जनवरी को एक आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें सिद्धराजू कर्नाटक गवर्नमेंट के याचिका थी, उसके स्पष्टीकरण के लिए 3 जजों के पीठ ने आदेश किया कि, और आदेश में जो बातें हैं उसको विस्तार से बताने न बताते हुए मैं संक्षेप में बताऊं कि आरक्षण के जो दोनों प्रकार हैं, ओरिजेंटल और वर्टिकल, क्षेत्रीय आरक्षण और वर्टिकल की हिंदी क्या बताऊं मैं, सामान्य आरक्षण की कह देता हूँ, मुझे उसका हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। खैर, तो वर्टिकल रिजर्वेशन वो होते हैं जो जातिगत आधार पर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको 50% से अधिक नहीं किया जा सकता, यानी कि 2%, 21% और 27%, ये 50% आरक्षण की व्यवस्था हुई। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण ऐसी आरक्षण हुए जैसे महिलाओं को 20% उत्तर प्रदेश में 99 में मिला था, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों और सेना के विकलांगों या विकलांगजनों को आरक्षण की पद को 5% तक की सीमा तक बढ़ाने की व्यवस्था आर्टिकल 16(1) में थी, और इसको और इसी का लाभ उठा करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भेद बना करके और गवर्नमेंट ने इस आरक्षण को स्वीकार कर दिया कि इसे आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी दोनों के दोनों को मिला के आरक्षण हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति वर्ग का है अगर वो चयनित किया जाता है तो SC का भी रिजर्वेशन पूरा कर लेता है, और दिव्यांग है अगर तो दिव्यांग का भी आरक्षण पूरा हो जाता है। लेकिन इस वर्टिकल और नॉन वर्टिकल रिजर्वेशन में एक मूल जो अंतर है उससे उसको उसकी अगर व्याख्या करते हैं तो हमारे आरक्षण जो हमारा दिव्यांगजनों का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो सुपर आरक्षण की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने माना। वो यूँ कि बाकी चाहे पॉवर्टी एलिमिनेशन वाले गरीबी रेखा से नीचे वालों का आरक्षण सुलभ कराया गया अभी सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा, या महिलाओं का आरक्षण रहा हो या अन्य श्रेणियों का आरक्षण रहा हो, वो आरक्षण वाइट क्षेत्रीय आरक्षण भरे हो लेकिन ना उसका बैकलॉग बनता है ना उसका कोई रोस्टर बनता है। एकमात्र दिव्यांगजनों का ही आरक्षण ऐसा आरक्षण है कि हॉरिजॉन्टल है लेकिन उसका बैकलॉग भी बनता है, उसका रोस्टर बनाना भी प्राविधानिक तो है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में अभी तक SC ST का आरक्षण का रोस्टर उत्तर प्रदेश में 66 से चल रहा है। हम लोग 93 से इसको लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे आरक्षण का विभाजन और रोस्टर की तैयारी हो। 3 फरवरी के शासनादेश के प्रस्ताव 14 में भी इस रोस्टर की व्यवस्था है, लेकिन एक डिपार्टमेंट मेरी जानकारी में है, व्यापार का विभाग, उसके अलावा अभी तक इस बात का डाटा किसी के पास नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के पास, कि किस विभाग में किस श्रेणी के दिव्यांग कितने हैं या किन किन पदों पर हैं। केवल एकमात्र एक डिपार्टमेंट व्यापार का विभाग है जिसके पास है, खैर उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे थे, मैं फिर वहीं आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने उसको टालने के इरादे से स्पष्टीकरण मांग लिया, और स्पष्टीकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि चूंकि संविधान के आर्टिकल 16(1) और 16(4) दोनों में आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए दिव्यांगजनों के आरक्षण में किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पहली बात तो समान अवसर नीति की बात करते हैं, इस अधिनियम के पीछे जो मूल भावना थी वो समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, तीनों शब्द इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से शासन सत्ता के सुविधाओं में हमारी भागीदारी कम से कम 3% होनी चाहिए, और यही कारण है कि ये लोक सेवाओं तक ही नहीं वरन गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में, उच्च शिक्षा में प्रवेश में, और आपके बाकी जो अभी शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है
तो उसमें भी सब शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आरक्षण तो उत्तर प्रदेश में शासन के कोटे में भी है, लेकिन इतनी प्रक्रिया जटिल बना दी गई है कि वो होता नहीं, मिल नहीं पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा था वो कहा था कि भाई अगर इनका आरक्षण हॉरिजॉन्टल है तो बाइसिकल रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में मिलेगा कैसे। तो उसका स्पष्टीकरण सरकार ने ऑलरेडी उस मुकदमे में है कि भाई जिन पद जो आप भर्ती करेंगे उसी का 1% देंगे, चाहे आप सीधी भर्ती से करिए, चाहे पदोन्नति से करिए, चाहे आरक्षित वर्ग का करिए, चाहे अनारक्षित वर्ग का करिए। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सरकार को 4 महीने का समय दिया है कि विरमतम 4 महीना आप इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिशा निर्देश जारी करिए। आप आर्टिकल 34 में आपने कहा है कि सामान्य कार्यकारी आदेशों के तहत लोक सेवाओं में आरक्षण होगा, जिसे पदोन्नति गोल कर दी गई है उसे उसको स्पष्ट करने के लिए ये आदेश आया है। बाकी कोई नया आदेश नहीं है। और बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में तो बताऊँ आपको कि कानूनी रूप से इतनी व्यवस्थाएँ की गई हैं, प्रमोशन में आरक्षण ए बी सी डी चारों श्रेणियों में है, पदों का चिन्हांकन एक बार नहीं कई बार हुआ है, 1986 में 26 नवंबर 1886 को जारी हुआ था, पहले कार्मिक विभाग दो ने जारी किया था, फिर 7 मार्च 99 को जब विक्रांत कल्याण की ओर से जारी हुआ सी ओ डी में, ए बी में कुछ दिन बाद अगस्त में जारी हुआ, 31 अगस्त शायद 90 की बात है, नहीं सॉरी 90 नहीं 2005 या 2004 की बात है। उसके बाद आदेश चाहे कितने निकालते रहें लेकिन कार्यान्वयन की नीति स्पष्ट होती ही नहीं है, दीक्षा शक्ति नहीं होती। जब तक आप लोग आरक्षण देने के लिए सेवा नियमावली में बाध्यता नहीं करेंगे, जब तक आपका शिकायत प्रतिदोष अधिकारी उत्तरदायित्व निर्धारण की परिधि में नहीं लाया जाएगा, जब तक आपका लोक अभियोजक अभियोजन को क्लियरिफाई नहीं करेगा, तब तक सुविधाएं चाहे कागजों पर जितनी दे दी जाए, ये ब्यूरोक्रेसी जो डंडे के बल पे ही चलते हैं, जो झंडा और डंडे के ही भाषा समझते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं, उसी हालत पे काम करते हैं, वो हमारे लिए चिंता न कभी करेंगे। आप जानते होंगे मिश्रा जी, आप डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुए हैं, आप कोई भी अधिकारी आता है तो पहले अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग करता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में क्या क्या है, कौन कौन हमारे अंडर में काम करता है, क्या क्या करना है। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति शीर्ष स्तर पर साल में एक दिन भी बैठना नहीं चाहता। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि लोग आपके चाहे वो सलाहकार परिषद हो मंत्री जी की अध्यक्षता में, चाहे जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में दिव्यांग बंधु समिति, जनपदीय दिव्यांग बंधु समिति की मीटिंग हो जो साल में 2 बार होनी होती है, इनका साल में 1 बार नहीं हुआ है, अब तक 5 साल बीत गए हैं, 2 मीटिंग हुई है। और उन मीटिंग के कार्यान्वयन के लिए समान अवसर नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, शिकायत प्रतिरोध अधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, कार्यकारी आदेश तब तक पहुंचा दिए गए हैं। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा ऑफिस उत्तर प्रदेश सचिवालय, उसमें समान अवसर नीति के खिलाफ 3 बार कोर्ट जाना पड़ा है। एक बार दिव्यांगजन आयुक्त के कोर्ट में उन्होंने आदेश किया, सरकार ने नहीं माना। आज उसके बाद हम हाई कोर्ट लखनऊ में गए, उसने आदेश किया, उसको नहीं माना गया। कंटेंट में गए, कंटेंट में झूठ झाल बोल करके मुकदमा खारिज करा दिया, तो साल तक चला फिर भी उसके बाद। और आज भी हम एक याचिका के माध्यम से समान आरक्षण की नहीं, समान अवसर नीति की बात कर रहे हैं, सरकार की मांग कर रहे हैं। काउंटर रिजवाइंडर सब कुछ सब फाइल हो गया है और केवल डेट बढ़ती है, वो ऐसा करा देते हैं किस दिन के हम उपलब्ध नहीं है, एडमिशन एडिशन जरूर कभी कुछ कभी कुछ। तो
मतलब भारत की संसद ने या लेजिस्लेचर ने आपके लिए व्यवस्था तो खूब की है हमारे लिए, अगर उसको लागू करने की व्यवस्था हो जाए। जैसे हमारा आयोग कार्यालय, वो आयोग नहीं है, उसको सिंपल कार्यालय के रूप में देखा जाता है। उसके यहाँ कोई कंप्लीट, उसके यहाँ के नियम यह है कि धारा 80 में व्यवस्था है कि आप शिकायत करेंगे और एक 30 कार्य दिवस में उस पर कार्य निस्तारण होना है, लेकिन 3-4 महीने बीत जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की ये धज्जी उड़ाई जा रही है, तो हमारी औकात ही क्या बची है। इस बीच में एक चीज बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम की धारा 33 के तहत, तो अभी नया अधिनियम है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसके धारा 33 में पदों के चिन्हांकन की बात रखी गई है, और उसके जो क्या कहते हैं चिन्हांकन हुआ है, 151 पृष्ठों का एक शासनादेश दिव्यांगजन विभाग के पोर्टल पे है, साइट पे, उसमें सबसे ज़्यादा उल्लंघन मूल भाव का आरक्षण के, लोकसभाओं में आरक्षण के सबसे बड़े बाधक हमारा अपना डिपार्टमेंट हुआ है विकलांग कल्याण, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस शारीरिक क्षमता वाला के अभाव में कौन से काम किए जा सकते हैं, यह प्रयोजन था चिन्हांकन कि आपका उपयोग समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे किया जा सकता है, बाजार से आपके स्पर्धा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तय करने के लिए चिन्हांकन, और ये विशेषज्ञ, इसके लिए विशेषज्ञ चाहिए होता है। लेकिन हमारे विभाग ने, एक तरफ तो हमारे महेश गुप्ता जी थे जो अपर मुख्य सचिव होके स्थानांतरित हुए इस पद से, उनको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले दिव्यांगों के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, लेकिन उनके जाते ही जो चिन्हांकन का काम था, जो अभियान चला के वास्तव में चला था, कई मीटिंगें होती थी डिपार्टमेंट को बुला के उन्हें कन्विंस करके कि आप ये आप जो पहले से चिन्हांकित पद किए हैं वो हम आपको सूची भेज रहे हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे घटा नहीं सकते हैं आप, ये सब करके। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ज़्यादातर जो सीवियर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में के लिए पद चिन्हांकित होते थे, जो गंभीर दिव्यांग, चाहे वो अस्थिर दिव्यांग हों, चाहे दृष्टि दिव्यांग हों, चाहे श्रवण ह्रास दिव्यांग हों, इन तीनों वर्गों के लिए जो सीवियर वाले हैं, जो 80% से ज़्यादा जिनकी दिव्यांगता हो रही है, उनके लिए पद बहुत ज़्यादा घटा दिए हैं। और सबसे शीर्ष आपत्तिजनक बात जो है वो ये है कि उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि जो पद चिन्हांकन सूची में नहीं है लोक सेवाओं के, उन पदों को आरक्षण की गणना के लिए उन्मोचित समझा जाएगा, यानी एग्जेम्प्टेड। द पोस्ट विल नॉन आइडेंटिफाइड पोस्ट विल नॉट बी काउंट फॉर द रिजर्वेशन फॉर PWD। ये चीज सबसे घोर आपत्ति की है, और यही कारण है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन में मिले, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्था के बैनर के तहत, और मिल करके उनसे आग्रह किया कि आप एक मीटिंग करिए शीर्ष अधिकारियों का, और इस बात का डिक्लेरेशन वो करे जो चुनौती योग्य न हो, कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के किसी भी प्राविधान का इस चिन्हांकन सूची के अप्रूवल से, जो जो कैबिनेट अप्रूव कर रखा है, उल्लंघन नहीं होता है, ये डिक्लेयर तक हो, उसके बाद ये बात लागू करने की बात आए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध की श्रेणी में अभी 18 तारीख को एक बेरोजगार दृष्टिहीन संघर्ष समिति बनी है, जिसके संयोजक भाई बलराम यादव जी हैं, गोरखपुर साइड के रहने वाले हैं, वो उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्था के बैनर तले ये आयोजन को लीड करना स्वीकार किया है, और SK सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं जो इस राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्था का, ये दोनों लोग मिल के और 18 तारीख को रैली आयोजित करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि सरकार से खुली वार्ता हो, खुले मन से हो। उसके साथ एक 40 सूत्री मांग पत्र भी दे रहे हैं, जो RPWDF के दायरे में ही आता है, ऐसी मांगें रखने का प्रयास किया गया है, और उस पर विकलांग कल्याण विभाग, चीफ सेक्रेटरी, दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, ये सब लोग बैठ के और एक उच्च स्तरीय समिति बनाएं, उस समिति में हमारे दिव्यांग वर्ग के लोग भी हों,
कि उनको उनका रक्षा हो रहा है, उनके हितों का संरक्षण हो रहा है, ये सुनिश्चित हो और इसी तरीके से इसको लागू कराया जाए। चुनाव आ रहा है, प्रत्येक वर्ग को सरकार लुभाने का प्रयास करेगी, हर पार्टियां प्रयास करेंगी। इसी कड़ी में मैंने सुना है कि एक कांग्रेस ने एक सेल बनाया है दिव्यांगजनों का भी, और यही बात हम लोग जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और जी और आपके ये प्रमोद तिवारी जी यहाँ के प्रभारी थे कांग्रेस के मदद, और बोरा साहब थे इंचार्ज यहाँ के अध्यक्ष थे, तब हम लोगों ने कोशिश किया था कि आप अपनी घोषणा पत्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की पूर्ति की बात भी रखिए। तो उस समय तो बात आई गई हो गई, कुछ पार्टियों ने रखा, किसने नहीं रखा। हमने सेम्पोजियम भी किया, पोलिटिकल सेम्पोजियम करके राजनेताओं को भी बताया कि ये समस्याएं आप रखिए और समस्या के समाधान करिए। लेकिन हमें बड़ी तकलीफ है ये बताते हुए, हम भी शासन में नौकरी करते हैं, हमें जानकर बड़ी तकलीफ होती है, कहते हुए पीड़ा हो रही है मुझे, कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के प्रति वो प्रदेश जो सबसे पहले दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग खोलने वाला विभाग है, प्रदेश है, प्रदेश का सबसे, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ से राष्ट्रीय राजनीति तय होती है, उस प्रदेश में दिव्यांगजनों की इतनी उपेक्षा है कि हमसे कम आर्थिक संसाधनों वाले प्रदेश भी हमसे ज़्यादा जीने के लिए पेंशन भी देते हैं, वो भी ज़्यादा होता है। हरियाणा 2000 देता है, कोई प्रदेश 600 देता है, सबसे कम अगर उत्तर प्रदेश देता है, इससे कम कहीं नहीं है पेंशन। और पेंशन का मानक, मेरा अपना कहना है कि भाई आप क्यों भटक रहे हो, आप हमको और जो लोग हैंडीकैप नहीं है उनसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? सामाजिक सुरक्षा उनकी आपकी जिम्मेदारी में है, हमारी है, मानते हैं, लेकिन ये तो मानते हो ना कि जो गंभीर रूप से दिव्यांग होता है उस पर एक सहारे की जरूरत होती है, उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से विटआउट करे। इन सब चीज़ों पर चिंतन करने के लिए ही रैली के आयोजन, हमारे जैसे लोग जब किसान आंदोलन को सरकार इस तरह से गुजर रही थी तो हमारे जैसे लोग कौन पूछता है, फिर भी जनता को अपने इस मुहिम से जोड़ने के, जोड़ के अपनी बातें विभिन्न स्रोतों से पहुंचाने के लिए हम लोग ये रैली आयोजित कर रहे हैं। पर हम ये आग्रह करेंगे कि वो उस रैली के लिए हर तबका, समाचार माध्यम हो, स्वैच्छिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टियां हो, जो लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक अस्तित्व समझते हैं, वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो सारे प्रयास करें, ये हमारा आग्रह है। पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जन आंदोलन का रूप में सहयोग करें, और मैं चाहता हूँ कि इस विषय को हर आमो खास तक, इस विषय तक को पहुँचा, इस आंदोलन से लोग जुड़ें और इस आंदोलन में पूरा सहयोग करें तन मन धन से, क्योंकि हम लोग धनहीन भी होते हैं, हमारी विकलांगता कारण ही प्राय अशिक्षा और जो है गरीबी होता है, तो साधन हमारे पास नहीं है, इस काम के लिए फंड नहीं है, लेकिन हम ये आंदोलन तो चलाएंगे क्योंकि बात स्वाभिमान पर है। सरकार दे के न दे एक विषय है, दे के छीन रही और गलत, तो हम इसका विरोध पुरजोर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा, मैं आपको भी विशाल निमंत्रित करता हूँ ऋषिहीनों के इस बैनर तले कि आप आएँ और आप अपने अनुभवों का लाभ इस मुहिम को दें, क्योंकि ये मुहिम केवल दृष्टिहीनों का नहीं, सारे वर्ग के चिन्हांकन पर है। और चिन्हांकन सरकार का ये कहना बिल्कुल बिल्कुल नामंजूर करने योग्य है, अनैतिक है, गैर कानूनी है कि जो पद चिन्हांकन सूची में नहीं है वो पद आरक्षण नियमों के लिए उन्मोचित समझे जाए। इस पर घोर आपत्ति व्याप्त है पूरे दिव्यांग वर्ग में, विशेषकर दृष्टिहीनों में, और बाकी जो नए वर्ग आए हैं अभी 7 वर्गों के, दिव्यांगता के 7 वर्गों के अलावा जो 21 वर्ग बने हैं उनके लिए तो कह रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी शारीरिक अक्षमता की बात है, सामाजिक सौहार्द की बात है, और हमें समाज के मुख्य धारा में लाने की बात है। नेताओं में लोग भाषण दे देते हैं लेकिन हकीकत के लिए कोई मोटिवेशन नहीं आता। बहुत धन्यवाद साथियों, मैं अगले अंक में मिलूंगा आपसे, आभार।